गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो फार्मर्स टेक योर विजन आवर फ्यूचर के। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक हमारे प्रीवियस टॉपिक से एकदम अलग है और वो है इंडियन टीवी सीरियल्स राइज एंड फॉल ऑफ कंटेंट्स इन टीवी सीरियल इंडस्ट्री एंड ओवर एक्टिंग और ड्रामास इन टीवी सीरियल्स। असल टीवी सीरियल्स शुरू कैसे हुए और इन सीरियल्स के नाम पर कंटेंट का बलात्कार क्यों हो रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग और अलग वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे को दबाइए ताकि हम जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो क्या बोलते हैं भाई, आज का वीडियो स्टार्ट करें क्या? चलो करते हैं। So, let's begin the show. इंडियन सीरियल, पता है सारे सीरियल्स खराब नहीं होते, लेकिन उन्हें जानबूझकर खराब कर दिया जाता है क्योंकि राइटर्स और शो वालों को पता ही नहीं होता है कि शो ख़त्म कहां पर करें। अगर दो लोगों से भी टीआरपी आ रही है ना, तो ये लोग शो चलाते ही रहेंगे। ये सब देखकर एक तरफ बहुत दुख होता है और दूसरी तरफ बहुत हंसी आती है इसके कंटेंट को देखकर। चाहे जैसा भी हो, पर इन लोगों ने हर शो में सास बहू का ड्रामा डालना तो नहीं भूलते। टीवी सीरियल्स की बुखार की शुरुआत अर्ली 1980s में हुई थी। उस टाइम पर सीरियल्स वाकई में काफी अच्छा हुआ करते थे, जब सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन का जमाना था, जैसे रामायण, महाभारत, बुनियाद, फौजी एक्सेट्रा, जब मोनोपोली का जमाना था और देखने वाले भी होशियार और समझदार थे, जब दूरदर्शन ही सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क था। एवरीथिंग हैड चेंज्ड आफ्टर 10 टू 11 इयर्स इन 1991 न्यू पॉलिसी आई। इससे काफी सारे न्यू चैनल्स के जन्म हुए, जैसे जी, स्टार प्लस, सोनी एक्सेट्रा। इससे क्या होता बोले तो, एक तो कंटेंट्स की कमी और साथ ही क्वालिटी भी खत्म होती गई। अब आए एकता कपूर, जिसने क्वालिटी कंटेंट जैसे 1990s में हुआ करते थे वो पूरे खत्म कर दिया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की से ये सब स्टार्ट हुआ। और आप सब देख सकते हैं, जैसे कंटेंट पहले था वो अब भी है, जैसे ससुराल सिमर का, नागिन, नजर, ये जादू है जिनका। ज्यादातर टीवी सीरियल्स में जूम इफेक्ट्स और बीजीएम म्यूजिक ही रहता। 20 मिनट्स के सीरियल में 200 टाइम्स जूम इफेक्ट्स, एक्सप्रेशंस और कभी डायलॉग्स ये टीवी पर ज्यादा दिखा देते हैं, जिससे इनके चैनल नंबर वन हो और एड्स और ब्रांड्स आ सके, जिससे ये लोग ज्यादा पैसा कमा सके। फॉर एग्जाम्पल बालिका वधू ले लो, कितना अच्छा शो था ना ये, और कितना अच्छा टॉपिक लेकर बनाया था इसको कि चाइल्ड मैरिज और उसके प्रॉब्लम्स को लेके। लेकिन वो शो इन्होंने 8 साल चलाया। 8 साल, व्हाट इज दिस, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। ये शो एक्ट्रेस आपको याद होगी, आनंदी। उसकी 8 साल में शादी हो गई थी, बट अब उन्होंने ये शो को इतना घिस दिया कि आनंदी क्या, उसकी बेटी की भी चाइल्ड मैरिज हो गई और वो अब एक डॉक्टर भी है। वाह। अब यहाँ पर आज का एक नया ट्रेंड आया है, जहाँ पर हर सीरियल को कुछ अलग करना है। अलग करना तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि इन्हें सास बहू के अलावा कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि कुछ अलग करना है, सिर्फ सास बहू के ड्रामे के साथ ही करेंगे। कुछ ऐसे ही नए ट्रेंड के रिजल्ट में एक ऐसा टीवी सीरियल आया जो है इंडियाज आंसर टू ए वंडर वुमन ससुराल सिमर का, जिसको मिला है
ये कमाल का IMDB स्कोर ऑफ 1.1। ये शो वुमेन एम्पावरमेंट थीम को लेके शुरू हुआ था, लेकिन ये शो को खींचते खींचते ये सास बहू से सुपर हीरो सीरीज में बदल गया। सिमर को ऐसी जादुई पावर्स दी गई कि वो कभी मर ही नहीं सकती, और इस पे इतना एक्सप्रेशंस और ओवर जूम इफेक्ट्स लगाते हैं, OMG दिस इज सो बैड, एब्सोल्युटली देयर इज नो सेंस इन इट। अगर कुछ आप लोगों को इसमें सेंस लगता है तो प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए। ठीक कहा भाई आपने, ये सब चीजें देखकर आई होप आप सब साइंस और लॉजिक जैसी चीजें भूल गए होंगे। ऐसी जो ओवर ड्रामेटिक प्रथा है ना, ये एकता कपूर ने शुरू की थी। और भी बहुत सारी कॉमन चीजें होती है इंडियन सीरियल्स में, इलॉजिकल चीजें, ओवर एक्टिंग और घटिया स्क्रिप्ट। बस गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि इस पर आपकी क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फार्मर्स टेक फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। और फ्रेंड्स, आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, वी विल बी बैक विद द अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सून। तब तक के लिए दुआओं में याद और कीप वॉचिंग।